मध्य प्रदेश के इछावर विधानसभा क्षेत्र के भाऊखेड़ी गांव की 52 साल पुरानी मावा बाटी की दुकान देश भर में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। इस दुकान का स्वाद इतना लाजवाब है कि वीवीआईपी से लेकर आम लोग तक जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो यहां रुककर मावा बाटी का स्वाद जरूर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दुकान पर रुके और मावा बाटी का आनंद लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि भाऊखेड़ी की मावा बाटी का स्वाद जरूर चखें। इछावर विधानसभा क्षेत्र का भाऊखेड़ी गांव मावा बाटी के स्वाद के कारण विशेष पहचान रखता है। इस दुकान की शुरुआत साल 1972 में हरिराम सेठ ने की थी और अब इसके संचालन की जिम्मेदारी उनके बेटे करण सिंह के पास है। इस दुकान की मावा बाटी ने पूरे देश में भाऊखेड़ी को एक पहचान बना दी है। शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल से बैरुंदा जाते समय इस दुकान पर रुककर मावा बाटी का स्वाद चखा। उन्होंने कहा, भाऊखेड़ी की मावा बाटी की अपनी अलग पहचान है, ऐसी मावा बाटी कहीं नहीं मिलती। यह मावा घर पर ही बनती है और इसमें देशी घी का उपयोग किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने मावा बाटी की तारीफ करते हुए कहा, यह शुद्ध मावा बाटी है, इसका स्वाद अद्भुत है। जब भी मैं आता हूँ मावा बाटी जरूर खाता हूँ, सभी को इसका स्वाद जरूर लेना चाहिए। उन्होंने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर भी साझा किया।